हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं अपना न्यू 3D प्रिंटर Ender 3 V2 Neo। तो इसकी पूरी गाइड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैंने ये 3D प्रिंटर 3 आइडिया एक साइट से मैंने मंगाया है। सो इसकी प्राइस मुझे 24,000 पड़ी। तो इस 3D प्रिंटर के साथ मुझे ये वाइट फिलामेंट फ्री मिला है। आप यहाँ पर कंपनी का लोगो देख सकते हो, 3 आइडिया। सो इसे साइड में रखते हैं और चलिए हम अनबॉक्स करते अपने न्यू 3D प्रिंटर को। तो यहाँ पर हमें एक फोम शीट मिल जाती है। इसे हटाने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो है ये यूज़र मैनुअल, जिसके अंदर आपको एक वारंटी कार्ड भी मिल जाएगी। तो इसे साइड में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ये 3D प्रिंटर की स्क्रीन, जो कि एक कलरफुल डिस्प्ले है। और इस 3D प्रिंटर की जो लुक इन्हेंस करती है वो इसका डिस्प्ले ही है, जो कि ये कलरफुल डिस्प्ले है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कुछ टूल्स, जो कि इसमें हमें यहाँ पर एक कार्ड रीडर मिल जाता है और उसके साथ एक मेमोरी कार्ड, एक एक्स्ट्रा नोजल जो कि 0.4 mm है, कुछ एलन बोल्ट्स और ये 3D फिलामेंट। और यहाँ पर कुछ टूल्स हमें मिल जाते हैं। ये हमारा फिलामेंट कटर है। कुछ जिप टाई और ये नॉब जो कि हमारे 3D प्रिंटर में लगेगा। सो इसे साइड में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पावर कॉर्ड। और एक स्टील स्पैचुला। और एक स्पूल होल्डर। सो ये हमारा पहला सेक्शन था। अब हम दूसरे सेक्शन में जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा मेन 3D प्रिंटर है, तो इसे निकालने के लिए मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या मिलती है। तो बॉक्स में ये पूरे कंटेंट हमें मिली है, जो कि यहाँ पर ये 3D प्रिंटर है, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये हॉट बेड जो कि ये इसके ऊपर असेंबल होगा। और नीचे जो आप कंपोनेंट्स देख रहे हो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो चलिए अब हम इसे असेंबल करते हैं। सो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस को असेंबल करने के लिए हमें जो एलन बोल्ट्स मिले हुए हैं उसे हमें इसके लेफ्ट और राइट साइड स्क्रू लगाना है, कुछ इस तरीके से। मेक श्योर आप इसे ज़्यादा टाइट ना करना, नहीं तो ये स्लिप हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम असेंबल करने वाले हैं ये स्क्रीन। सो इस स्क्रीन को टाइट करने के लिए यहाँ पर टी नट्स दिए हुए हैं। और स्क्रीन के पीछे आप यहाँ पर कॉर्ड देख रहे हो, जो नीचे से राइट साइड आपको एक केबल निकली हुई होगी। इस केबल को इस स्क्रीन में अटैच करना है। सो इस टी नट्स को लूज करके हमें यहाँ पर लगाना है। और मैं इस स्क्रीन को यहाँ पर टाइट कर दे रहा हूँ। सो नेक्स्ट हम यहाँ असेंबल करने वाले हैं अपना स्पूल होल्डर,
जो कि यहाँ पर टी नट्स हैं। इस टी नट्स को लूज करके हमें यहाँ पर टाइट करना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर वायरिंग है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। हर वायरिंग में आपको यहाँ पर उसके एक्सिस के टैग लगी हुई होगी। सो यहाँ पर जेड एक्सिस की कॉर्ड जो है इस स्टेपर मोटर में लगेगी। इसी तरह बाकी केबल में भी यहाँ पर आपको टैग मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को फॉलो करो और मेक श्योर कि आप कोई भी केबल को गलत एक्सिस के स्टेपर मोटर में मत लगाना, वरना आपका 3D प्रिंटर डैमेज हो सकता है। सो ये एक्स एक्सिस की केबल आपको इस स्टेपर मोटर में लगाना है। और ई वाले टैग को आप इस स्टेपर मोटर में लगाना है। और ये एक्स टैग की जो प्लग है आपको इस एक्स एक्सिस के उस साइड की स्टॉपर बटन में लगाना है। नेक्स्ट हम अपने हॉट बेड को टाइट कर लेते हैं नीचे दिए गए बोल्ट को टाइट करके। मेक श्योर आप इसे ज़्यादा टाइट ना करें, आप इसे इतना ही टाइट करें कि ये फ्रीली मूव हो सके। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपने केबल को इस जिप टाई से मैनेज कर लेंगे और इस नॉब को हमें यहाँ पर इस स्टेपर मोटर के ऊपर लगा देना है कुछ इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर अपने पावर कॉर्ड को यहाँ पर लगा के स्विच को ऑन कर लेते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा 3D प्रिंटर ऑन हो चुका है। सो हमें यहाँ पर प्रिपेयर में जाकर ऑटो होम कर लेना है इसे। सो ऑटो होम करने का मतलब ये होता है कि कहीं भी कनेक्शन अगर इसकी लूज होगी या फिर आपने गलत कनेक्ट किया होगा कुछ केबल्स को, तो ये परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। सो ऑटो होम में आप देख सकते हो ये प्रिंटर ऑटोमेटिकली ऑटो होम की पोजीशन पे लेते आता है। सो नेक्स्ट हम इसकी बेड लेवलिंग कर लेते हैं। सो ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बेड लेवल एक परफेक्ट तरीके से लेवल ना हो तो आपका 3D प्रिंटर अच्छे से वर्क नहीं करेगा। सो यहाँ पर प्रिपेयर में जाकर आपको मूव में चले जाना है और फिर मूव जेड एक्सिस में क्लिक होकर आपको यहाँ पर 0 सेट कर देना है। उसके बाद बैक जाकर आपको जेड ऑफसेट में जाना है और इसे आपको तब तक रोटेट करते रहना है जब तक ये पेपर शीट नोजल और बेड के नीचे हल्का फ्रिक्शन महसूस ना हो आपको। तो आपके 3D प्रिंटर में जेड ऑफसेट कुछ दूसरा हो सकता है, तो आप इस स्टेप को फॉलो करो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मेरा जेड ऑफसेट आपके 3D प्रिंटर के भी जेड ऑफसेट सेम मैच करे। सो नेक्स्ट हमें यहाँ पर डिजेबल स्टेपर में चले जाना है और उसके बाद बेड को बैक साइड करके नोजल को कॉर्नर में लेते आना है। उसके बाद बेड के नीचे जो हमारे 4 नॉब दिए हुए हैं उसे रोटेट करके हमें बेड को लेवल करना है। सो कुछ इस तरीके से आपको नोजल और A4 साइज पेपर के बीच जो हल्का फ्रिक्शन महसूस हो आपको उतने लेवल पर बेड को सेट करना है कुछ इस तरीके से। आप वीडियो में देख कर स्टेप को फॉलो कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम बेड लेवलिंग के बाद बैक चले जाएंगे और फिर ऑटो लेवलिंग पे सेट कर देंगे इसे।
सो जैसा कि इस प्रिंटर में हमें ऑटो बेड लेवल का फीचर दी हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली खुद को ऑटो बेड लेवल सेट करेगा। सो ऑटो बेड लेवलिंग होने के बाद आपको फिर से जेड ऑफसेट सेट करना होगा। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर पे चले जाना है, आपको सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करना है। जेड ऑफसेट सेट करने के बाद आपको प्रिपेयर PLA को सेलेक्ट कर लेना है। सो जैसा कि आप यहाँ पर अपने स्क्रीन में देख सकते हो, हमारा यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रही है। सो PLA के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है वो आपका नोजल का टेम्परेचर 200 डिग्री होना चाहिए और बेड का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर हो चुका है। सो चलिए अब अपने फिलामेंट को लोड कर लेते हैं। सो फिलामेंट को लोड करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले कुछ इस एंगल में आपको कट कर लेना है फिलामेंट को। सो फिलामेंट को आपको इस होल में डाल देना है और नॉब की मदद से आपको इसे अंदर डालना है। तो ये आपको तब तक करना है जब तक आपके नोजल में से PLA मेल्ट होकर ना निकल जाए। सो अब हम यहाँ पर अपना पहला प्रिंट करेंगे। सो हमें ये मेमोरी कार्ड दिया गया है जो कि आपके 3D प्रिंटर में यहाँ पर इस स्लॉट में लग जाएगा और यहाँ पर लगाने के बाद आपको प्रिंट पर चले जाना है और फिर अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर प्री लोडेड फाइल आपको दिया जाता है इस मेमोरी कार्ड में। सो मैं इस बेंची को यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा प्रिंट स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ पर हमारा प्रिंट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब बेंची को यहाँ से निकालते हैं। मेक श्योर आपका बेड का टेम्परेचर लो हो जाए तभी आप अपने 3D मॉडल को यहाँ से निकालें। सो निकालने के लिए इस बेड को आपको यहाँ से पुल आउट करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा यहाँ पर बेंची काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ और डिटेल्स के साथ प्रिंट हुई है। सो इस बेंची को प्रिंट होने में 3 घंटे का टाइम लगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो आने वाले टाइम में मैं इस 3D प्रिंटर को यूज़ करके कुछ प्रोजेक्ट में लाऊँगा, तो स्टे ट्यून फॉर डैट। सो तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।